जान आई लव यू अवेयर ऑफ दिस और बताओ आई एम रियली नॉट अवेयर ऑफ दिस जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है ना तो आप अपने लिए जीना छोड़ देते हो okay, सबसे पहले तो जान का बर्थडे है क्या विश देना चाहेंगी क्या कुछ कहना चाहेंगी आप जान आई लव यू और मुझे तुझसे मिलने आना ये लोग आने नहीं दे रहे बट या जान यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई लव यू सो मच एंड आई विश यू द ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ एंड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस हैप्पीनेस जॉय एंड फ्रेंडशिप एंड ऑल्सो लव जान हैप्पी बर्थडे मोस्ट इम्पोर्टेंटली लव या अंदर जाके क्या मस्ती क्या धमाल करने वाले हैं ना आप अंदर जाने तो दो जाके माहौल तो पता चले क्या हो रहा है सुनो हम लोग आए हैं तो अभी पार्टी शुरू होगी व्हेन वी एंटर द पार्टी स्टार्ट्स क्या और क्या क्या कोई गाना कोई जान सिंगर है कोई गाना डेडिकेट करना चाहे कोई फिर से जान मेरी जान मैं तेरे कुर्बान मैं तेरा तुम जगत जान yeah so jan we love you and I know that the audiences the people everybody loves you and I'm your huge fan and ye maine aaj tak nahi bola but I love you and the best of you is yet to come yeah mera fans bade excited hai aapko dobara dekhne ke liye kahan pe kya aane wala hai apki taraf se agar kuch fans so main apne fans ko wapas dekhne ke liye bahut excited hu so I have shot for a movie so there's this movie coming which probably will come by June or July, the post-production is happening, and so yeah, my comeback is just right around the corner. See, abhi to filhal I have nothing in pipeline for me. Abhi maine show choda just recently, Bhagyalakshmi. So I'm looking for a good project. There have been offers, but nothing excited me. So if something comes which suits me and which I like, I will definitely do it. Or fans ke liye to obviously, we are for them. तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर ओके पहली बात तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस आई एम रियली नॉट अवेयर ऑफ दिस Nahin, but we don't know about this. How can we comment about things it? I don't know. I don't talk. And the people and I don't also, know. I know Prateek. Prateek we just know as like a social, no, like socially know, we meet him. I know Prateek is a very sweet guy and he won't do anything like that. So. And you know how our industry is. We should never believe everything. One side story of anything. बाद में ट्वीट करके ये भी बताया कि मैं एक हार्डवर्किंग इंसान हूँ और मैं नए टैलेंट को प्रमोट करता हूँ, नए टैलेंट को बताता हूँ, ना कि करता हूँ। इसपे आप कुछ क्या कुछ कहें? किसने बोला है? प्रतीक ने। कि वो एक नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं। कि एक वो उनको आगे बढ़ाते हैं वो ना कि किसी को दबाते हैं मुझे ऐसा लगता है सबको ना तू बोल ले मैं दो साथ नो आई जस्ट नहीं मुझे देखो पहली बात तो हम लोगों को पता नहीं है बट प्रतीक खुद एक नया टैलेंट है ठीक है तो वो खुद आगे बढ़ रहा है तो आई थिंक इट्स लाइक वो क्या इट्स लाइक आई थिंक एवरीबॉडी शुड टेक पीपल देयर पीपल हैंड इन हैंड या अगर जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है ना तो आप अपने लिए जीना छोड़ देते हो दूसरे को नीचे दिखाने के लिए जीने लग जाते हो एंड आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग इफ समबडी इज पुशिंग यू गुड फर्स्ट ऑफ ऑल पुश योरसेल्फ एंड ये तो ये दोनों को ही पता है किसने किसके सीन कटा है तो हम क्या ही बोले इसमें ऑनेस्टली माय गॉड तुमने टाई बन लिया कर ही नहीं पर हमें क्या पता है ना